गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हिंदी रीडर का 9th चैप्टर करेंगे, जो कबीर दोहा वाली, मतलब कबीर जी के दोहे। ठीक है, कबीर जी के जब दोहे लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका प्रसंग लिखना है कि इसमें ये दोहा कहाँ से लिया गया है। दूसरा, आपको व्याख्या करनी है कि आप इस दोहे से क्या समझे। लास्ट में आपको विशेष लिखना होता है कि इसका क्या निष्कर्ष निकल कर आया है। देखिए, फर्स्ट है, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग दर्शाए। कबीर जी कहते हैं साधु जी के दर्शन बड़े ही भाग्य से मिलते हैं, जो हो गए सूली सजा कांटे ईटरी जाए। कबीर जी कहते हैं अगर कोई सूली की सजा भी मिल जाए तो वो भी कांटे के मात्र छोटी दिखाई देती है। अर्थात अगर कोई बड़ी से बड़ी परेशानी होती है तो साधु के दर्शन मात्र से ही वो समाप्त हो जाती है। समझ आया? सेकंड देखिए, कबीर दर्शन साधु के करत न कीजिए कानी, जो उद्यम से लक्ष्मी आलस मन से हानि। कबीर जी कहते हैं कि साधु के दर्शन मात्र से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कभी भी साधु के दर्शन के लिए मना नहीं करना चाहिए। जो उद्यम से लक्ष्मी, उद्यम होता है परिश्रम, जिस प्रकार परिश्रम करने से लक्ष्मी मिलती है, आलस मन से हानि। और जो मनुष्य हमेशा आलस करता रहता है तो उसे हमेशा हानि ही होती है। आपने भी देखा होगा, अगर आप आलस करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आपके मार्क्स कम आएंगे ना, और यदि आप परिश्रम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं जो उद्यम से लक्ष्मी, जिस प्रकार परिश्रम करने से लक्ष्मी का वास होता है, उसी प्रकार आलस करने से मनुष्य को हमेशा हानि होती है। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होए। संत मिलने से सुख की प्राप्ति होती है, दुष्ट मिले दुख हो, और दुष्टों के साथ मिलने से दुख की प्राप्ति। क्योंकि जब आप किसी बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो आप गलत काम करते हैं जिससे दुख होता है, और संत मिले, संत लोग तो अच्छे काम करते हैं जिससे सुख की प्राप्ति होती है। सेवा कीजिए संत की, हमें हमेशा संतों की सेवा करनी चाहिए। जन्म कृतार्थ हो, उससे हमारा जीवन सफल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है। जो साधु लोग होते हैं, कबीर जी कहते हैं जो साधु लोग होते हैं वो हमारे भाव के भूखे होते हैं, धन का भूखा नहीं, वो धन के भूखे नहीं होते। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। जो मनुष्य साधु का रूप धारण कर धन की प्राप्ति की इच्छा में यहाँ आते हैं वो साधु नहीं हो सकते। मतलब अर्थात यह स्पष्ट होता है कि साधु लोग हमेशा भाव के भूखे होते हैं, उन्हें तो सिर्फ प्रेम चाहिए होता है। कबीर मन तो एक है, भाव जहाँ लगाए। कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन तो एक है, भाव जहाँ आप जहाँ उसे चाहें लगा सकते हैं। भाव गुरु की भक्ति कर, भाव विषय कमाए। भाव गुरु की भक्ति कर, कबीर जी कहते हैं कि हमें अपने गुरु की भक्ति करनी चाहिए, भाव विषय कमाए, जिससे सभी काम सफल हो जाते हैं। तन का वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए तू आपा का डारी दे, दया करे सब। तन का वैरी कोई नहीं, कबीर जी कहते हैं कि हमारे शरीर रूपी तन का वैरी होता है दुश्मन, कोई नहीं है। जो मन शीतल होए तू आपा को डार दे, दया करे सबको। तू अपने आप को अच्छे कामों में लगा, दया कर सबको, और सब पर अपनी दया की दृष्टि रख। कबीर यह मन लालची समझ नहीं गवार। कबीर जी कहते हैं कि हमारा मन बहुत ही लालची होता है, यह नहीं समझता कि हमें क्या करना चाहिए। जहाँ भी हमें फ़ायदा दिखता है वहीं यह भटकने लगता है। भजन करण को आलसी, अगर भजन करने की बात आती है तो हमारा मन आलसी बन जाता है। खाने को तैयार, और खाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। अर्थात कबीर जी कहते हैं हमारा मन हमारे खुद के वश में होता है, और हम चाहेंगे इसे अच्छे कामों में तो ये अच्छे कामों में लग जाएगा, अन्यथा ये बुरे कामों में लगेगा। मन के बहुत अक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। कबीर जी कहते हैं हमारे मन के बहुत से रंग हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। आप भी देखते हो ना, कभी आपका मन करता है मैं ये लूँ, कभी ये कहता है ये। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि हमारे मन के बहुत से रंग हैं, छिन छिन बदले सोए, जो हमेशा दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, पल पल बदलते रहते हैं। एक रंग में जोर है ऐसा विरलप, जो हमेशा एक ही रंग में रहता हो, मतलब एक जैसा रहता हो, ऐसा विरला एक आध, कोई एक आध ही ऐसा होगा जो कि एक ही रंग में रहता है, जिसके मन में परिवर्तन नहीं आता है। साहब से सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राही ते पर्वत करे पर्वत माहिर। आप ये कट कर देना, इसे मत करना। नेक्स्ट है, अंतर्जामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पा। अंतर्यामी, कबीर जी कहते हैं
कि आप ही अंतर्यामी हो, आप ही हमारे मन की बात को जानने वाले हो, आप ही हमारी आत्मा के आधार हो, मतलब आप हमसे जुड़े हुए हैं। जो तुम छोड़ो हाथ, अगर आप हमारा हाथ छोड़ देंगे, कौन उतारे पर हमें बात कौन उतारेगा। इस दोहे में कबीर जी ने साधु के दर्शन मात्र को ही महत्व देते हुए कहा है, साधु के दर्शन मात्र से उनके साथ सभी काम सफल हो जाते हैं। अब वो कहते हैं तो जो तुम छोड़ दो हाथ, अगर तुम हमारा हाथ छोड़ दोगे, कौन उतारेगा हमें, कौन पार उतारेगा हमें, कौन राह दिखाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सरसाइज, आपको शब्दार्थ करने हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, मैं आपको यूलो पे पिक भेज दूँगी इसकी। और ये दोहा वाली है, ये आपको कंप्लीट करनी है, इसी के दोहे हैं ये जो आपको कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।